अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कुकिंग विद फायज़ा में। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। और जो आज की रेसिपी है वो हमारे चिकन आलू। और चिकन आलू के लिए हमने 3 अदद प्याज लिए मीडियम साइज़ के, और हमने लिया है 3 पाव चिकन, 4 आलू लिए हैं हमने, और 2 अदद जो हमने टमाटर लिए हैं, और इधर जी लहसुन अदरक का हमने पेस्ट लिया है 1 स्पून, ठीक है। और इधर जी हमने प्रेशर को चूल्हे के ऊपर रख दिया, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ऑयल जितनी हमें ज़रूरत है ऑयल की, और ऑयल हमारा गर्म होने तक हम वेट करेंगे। और जो जो स्पाइसेस हम इसमें डालेंगे वो हम आपको साथ साथ बताएंगे, और साथ साथ अब मैं अपना खाना बनाने का आलू चिकन का तरीका भी आपसे शेयर करूँगी। और जी इधर हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, इसके अंदर जाएंगे हमारे जो हमने प्याज काटे थे वो, और 1 स्पून भर के नमक की, और जी इधर आप हमारे प्याज चेक कर सकते हैं हल्के से फ्राई हो गए हैं, ठीक है। इसके अंदर ही हम चिकन डाल देंगे, चिकन इसलिए डाल रही हूँ कि साथ ही चिकन भी फ्राई हो जाएगा, और चिकन मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया था। जैसे जैसे प्याज फ्राई होंगे साथ ही हमारा चिकन भी फ्राई हो जाएगा। जब थोड़ा सा चिकन फ्राई हो जाएगा फिर हम साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे इसमें। और जी इधर आप देख सकते हैं हमारा चिकन भी फ्राई होना स्टार्ट हो गया, और प्याज भी हो गए हैं ब्राउन, प्याज हो जाएंगे तो फिर हमने इनके अंदर टमाटर डालने हैं। अभी हम डालेंगे इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट, वो भी साथ ही हम ब्राउन करेंगे। इसकी वजह ये है फिर इससे स्मेल नहीं आएगी, लहसुन अदरक की स्मेल नहीं आती, ठीक है। जैसे ही ये ब्राउन हो जाएगा चिकन भी और प्याज भी, तो फिर हम इसके अंदर टमाटर और दूसरे स्पाइसेस डाल देंगे। और जी इधर आप देख सकते हैं हमारा चिकन और प्याज, तो चेक करें प्याज, और इसके अंदर अब हम डालेंगे टमाटर जो हमने कट कर लिए, और साथ ही थोड़ी सी हम हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, इधर लाल पीसी हुई मिर्च का पाउडर 1.5 चम्मच, और ये जो ग्रीन चिल्ली की मैंने बनाई थी मिर्चें, सब्ज़ मिर्चों को हमने पीस कर जो बनाई थी थोड़ी सी वो डालेंगे, क्योंकि आज थोड़ा स्पाइसी खाने का दिल कर रहा है, तो इसलिए पहले मैं आलू और चिकन जो है स्पाइसी बना रही हूँ। आप चाहें तो मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर साथ हम थोड़ा सा इसको पानी लगाएंगे, इसकी थोड़ी देर भुनाई करके फिर हम आलू भी डाल देंगे इसके अंदर। इसकी हमने थोड़ी देर भुनाई की, अब हम इसमें धुले हुए आलू डालेंगे। आलू हमने 2 से 3 दफ़ा वाश धो लिए हैं, आलू को अच्छी तरह धो लेना, मिट्टी बहुत ज़्यादा आजकल आलू के साथ होती है। और जिधर चिकन की अच्छी तरह बनाई होगी, चिकन आलू की भी बनाई होगी, इधर जितना आपने पानी डालना है अपने हिसाब से डाल लें। दो गिलास मैंने पानी डाल दिया इसके अंदर, 1/2 गिलास मैं और डालूँगी कि इतना सालन रहना चाहिए।
ये आप देख सकते हैं। और इसको अब मैं प्रेशर लगाऊंगी, 3 से 4 जो विसल आए हैं लगेंगी इसको, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 3 से 4 विसल हमने लगानी है, जब 3 से 4 विसल बच जानी है तो फिर हमने उतार लेना है इसको। ये आप चेक करें। और इधर जी हमारी हंडिया कोमल हो गया, और इसके अंदर हमने धनिया और गरम मसाला डाल दिया, ठीक है। मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन वो वीडियो थोड़ी ना हो गई है स्टॉप, उस वजह से नहीं पूरी कर सकी। और ये जी आलू चिकन की फाइनल लुक आप चेक कर सकते हैं, देखिए कितना अच्छा सालन बना है। और अपनी दुआओं में हमें याद रखें, कल नई वीडियो के साथ हाज़र होंगे। अल्लाह हाफिज़।